press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notification. आज हम बनाएंगे रबड़ी मलाई. इसके लिए हमें चाहिए पिस्ता कटिंग, बादाम कटिंग, इलायची, चीनी और 2 लीटर दूध. आप इसे 1 लीटर दूध में भी बना सकते हैं. सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए बॉईल आने तक मिक्स करते जाएंगे. बॉईल आने तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे. रबड़ी, जो दूध रबड़ी है हमारी, वो मलाई की परत से बनती है. ये हम घेवर के ऊपर लगाने के लिए काम में ले सकते हैं या फिर इसे एज एक स्वीट की तरह भी खा सकते हैं. अब देखिए दूध धीरे धीरे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है. इसे ऐसे ही चलाते रहें और जो करछी है उसको कढ़ाई के तले तक लगा के चलाएं, जिससे कढ़ाई के तले में हमारा दूध ना लग पाए. ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है. अब जो दूध के ऊपर मलाई आ रही है, हम इसको करछी की सहायता से कढ़ाई के किनारों पे लगाते जाएंगे और गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर दीजिए, जिससे जो हमारी मलाई है वो दूध पे अच्छे से आ जाए और साइडों में जितनी भी मलाई आती जा रही है आप इसको ऐसे ही कढ़ाई के किनारों पे लगाते जाएं. आप देख रहे हैं मैं कैसे लगा रही हूँ इसको किनारों पे. सेम प्रोसेस आपको करना है. यही प्रोसेस आपको अगर आप 1 लीटर दूध में बनाते हैं तो सेम प्रोसेस आपको करना है. ये देखिए मलाई आ रही है, इसको हम लगाते जाएंगे. रबड़ी घेवर जो है उसके लिए हम ये रबड़ी मलाई घर पे भी बना सकते हैं. और जो रबड़ी है ये एक स्वीट डिश के तौर पे काम आती है. इसमें अब हम इलायची पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. करछी को जब भी आप मिक्स करें तो कढ़ाई के नीचे तक लगा के इसको मिक्स करना है. अब इसमें हम चीनी डालेंगे. मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली. इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं. इसमें हम बादाम पिस्ता कटिंग डालेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं. थोड़े से दूध में केसर को भिगो के और फिर आप जब इलायची पाउडर डालें तभी आप केसर डाल दें. हमारा दूध देखिए रिड्यूस हो गया है. इसको हमें 1/3 क्वांटिटी तक का रखना है. ये रेडी है. अब हम इसको गैस फ्लेम से उतार के इसको ठंडा करके और इसकी मलाई हटाएंगे. अच्छे से इसके चारों तरफ से किनारों से हम मलाई हटा लेंगे. हमें दूध को इतना रखना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है. तो ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है. इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे. आप देखिए कितनी अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनी है. आप इसे ट्राई कीजिए और अपने व्यू शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब मिस पूजा को.